हेलो फ्रेंड्स, मैं अवितेज और आप देख रहे हैं अवितेज फार्मागन टैक्स। और फ्रेंड्स, ये है कार्बन का और 4G+ और इसमें है चार्जिंग का इशू। तो आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये चार्जिंग पॉइंट है जो कि पूरा का पूरा डैमेज हो गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है, वो है ग्राउंड का। यहाँ पर देखिए, सिर्फ आपको एक ग्राउंड का पॉइंट दिख रहा है, लेकिन प्लस का जो पॉइंट है वो आपका बैक। यहाँ से देखिए, आपको पूरा का पूरा पॉइंट है जो कि डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे हमें कनेक्ट करके इसको सर्विस करना है पूरा अच्छे से। और इसकी सर्विसिंग देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको एक दिख रहा होगा वी बस की पॉइंट पर हमें इसको जम्पर करना होगा। तो देखिए, हम उसको कैसे यहाँ पर इसको पूरा फिट करके लगा देंगे। देखिए, ये पूरा डैमेज हो गया है चार्जिंग पॉइंट। तो मेरे इस वीडियोज़ को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए। और देखिए, मैं इसको सर्विस करके आपको पूरा चेक करके दिखाऊंगा कि ये आपका जब मैं सर्विस करता हूँ तो उसके बाद ये प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं करता है। और प्लस आप ये सर्किट है और आप 4G की है, पावर 4G की, आप देख लीजिए प्रॉपर आईसियाँ। कभी कभी होता है कि आपकी कोई और आप पावर 4G सेट हो, उसकी कुछ आईसियाँ गड़बड़ हो, और वहाँ पर किस तरह की आईसियाँ लगी है इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे आने वाले समय में आपको मैं बहुत सारी सर्किट का जो वीडियो है वो ही बताऊंगा कि कौन सी आईसियाँ सिर्फ कहाँ लगी हैं, कि प्रॉपर कभी आपका कोई इश्यू हो तो वो आईसी आपको पता हो कि वहाँ पे कौन सी आईसी किस टाइप की आईसी लगी थी। तो देखिए, ये ऑरा पावर 4G का है, चार्जिंग इशू है, चार्जिंग जो आपका जैक है एकदम डैमेज हो चुका है। तो हमको इसको यहाँ पर रिप्लेस करके एक नया चार्जिंग पॉइंट लगाना होगा। तो मेरे वीडियोज़ को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और नई चार्जिंग जैक देखिए मैं लगाऊंगा, उसको आप देखिए प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देख लीजिए, ये आपको जो चार्जिंग जैक है उसके बगल में ही आपको ईयरफोन का जैक भी लगा हुआ है। लेकिन हमें क्या है कि ईयरफोन मेरा अभी फ़िलहाल ठीक है, हमें चार्जिंग बनानी है। तो आपने ये जैक जो है देख चुके हैं सर्किट, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये चार्जिंग पॉइंट है, इस चार्जिंग पॉइंट को हमने यहाँ पर लगा दिया है। लगाने के बाद देखिए, हमने यहाँ पर आपको एक पॉइंट जो है कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड का, और प्लस का हम लोग यहाँ से जम्पर लगा करके आपको देखिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसको कनेक्शन होने के बाद देखिए, यहाँ पर आपका चार्जिंग पॉइंट कनेक्ट हो गया। दो ही पॉइंट बचा है, पांच पॉइंट होते हैं लेकिन दो पॉइंट पे काम हुआ है, दो तीन पॉइंट इसका डैमेज हो चुका है। तो अब इसको क्या करना है, हमको इसको अपने पूरे सिस्टम में फिट करना है। इसका जितना पूरा पार्ट्स है उसको फिट करके हमें देखना है कि ये मेरा जो काम है सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए, अब हम लोगों ने इसको लगा के और पूरा फिटिंग कर दिया है। अब फिटिंग करके हम देखिए टेस्टिंग मार रहे हैं। थोड़ा देर हम इंतज़ार करेंगे क्योंकि बैटरी बहुत दिनों से हो सकती है डीप डिस्चार्ज हो, उस कंडीशन में ये आपका जो है देर तक लगे रहने पर ही चार्ज करता है, शो करता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बैटरी बूस्ट भी कर सकते हैं इसकी बैटरी का। देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको चार्जिंग शो करने लगा है। तो ये देखिए आपका लगा हुआ है। तो इस तरह से आपका ऑरा पावर 4G का अगर प्लस पॉइंट आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप वी बस पर प्लस पॉइंट लगा करके आप अपने फ़ोन की चार्जिंग बना सकते हैं। पूरा वीडियोस मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। रिपेयरिंग करना इसमें मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि आप जो है एक्सपर्ट होंगे ही, तो आपको मैं सिर्फ ट्रिक बता दे रहा हूँ। इस तरह से आप अपने फ़ोन की चार्जिंग को बढ़ा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो ये है कार्बन का ऑरा पावर 4G+। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।